जो कॉल थी पुकार की, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही और आधे लोग तो फिर से फाइट ही नहीं कर पाए। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने आप हक के लिए लड़ ना पाए, अपने वजूद के लिए ना लड़ पाए। But yes, this fight is active, because this time Team Enigma Forever is a team जो अब आगे बढ़ के move कर रही है। Vampire के पास एक अच्छा TP भी angle है, काफी ज़्यादा problem होगी, shots मारे connect करने की कोशिश थी, but ज़्यादा देर नहीं, उससे पहले web finishes। जी, तीन finishes किसी तरह से निकाले इस टीम ने, एक ऐसी situation में जहाँ पे मेरे को लगा भी नहीं था कि बच के भी निकल पाएंगे। पहले डील कर रहे थे एक टीम से, फिर दूसरी टीम आई, उन्होंने थर्ड पार्टी किया और दोनों की दोनों टीमों को टीम एनिग्मा फॉरएवर ने जस्ट बाय बीइंग पेशेंट आउट मेनूरो को टेक डाउन किया। एस पावर एक और नॉक निकालेंगे अपनी टीम के लिए, बट दूसरी तरफ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और अंडरगॉड्स की ये लड़ाई कौन जीतेगा। कहते कहते बातों बात में यहाँ पे ग्लैडिएटर के तीन बड़े प्लेयर पिक ऑफ हो गए, बट जस्टिन अभी भी जो बचे हुए थे उन्होंने जोकर को नॉक किया, बट आई थिंक जस्टिन का भी यहाँ पे जस्टिन को पिक ऑफ करा और पल भर में ग्लैडिएटर्स को गेम से बाहर निकाला। और वहीं पर अंडरगॉड्स जब पनिशिंग ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के मवी को अपना शिकार बनाएंगे विद अ टीपी से, जो सपोर्ट आया था वाज वेल टाइम, बट ऋषि की दाद देनी पड़ेगी, कवर फायर ऑन पॉइंट अपनी टीम को बचाने में कामयाब रहे। अगली लड़ाई जो देखने को मिल रही है वो है TWOB की भिड़ंत, और इसमें इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक ओपनिंग तो निकाली थी, लेकिन फॉक्स अब कवर के पीछे जाते हुए मेडकिट लगाया ताकि हील अप करे और फिर इस फाइट को री एंगेज करें। Ninja Boy भी उसने, oh, this one was good. This was dirty, but Ninja Boy, he'll take it. और ये बढ़िया तरीके से आप देखिए, just एक angle लिया, S12 के साथ टिकाई बिल्कुल सामने, और भी प्लेयर्स दिख रहे हैं। अभी एक ऑफ एंगल था उनके पास, अच्छा खासा उर्वा को डाउन किया जरूर है। निंजा बॉय भी अंदर की तरफ को फाइट ले जरूर रहे हैं, ऐसे में दिक्कतें हो चुकी है उनके प्रतिद्वंदियों के लिए। बिल्कुल सामने देखेंगे और एक और S12K का चाटा निंजा बॉय, ही इज जस्ट पिकिंग अप द पीसेस। मावी और निंजा दो खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन आप एचपी देखिए कितनी कम हो चुकी है। निंजा बॉय के खुद को सेफ रखना चाहेंगे, बट मावी कम्स टू द रेस्क्यू। आखिरी 30 गोलियां उनकी एक ही में पड़ी थी, स्विच किया वेपन को, बट डजंट मैटर, दे हैव टेकन अ टीम। एनालिसिस अलादीन वेक्सी, उनको पता है साइक की टीम उनके बिल्कुल सामने रहेगी। गॉडलाइक भी फाइट के अंदर आ चुके हैं, जहां की वो ओआर के प्लेयर्स को पिकअप कर जरूर है। ट्रू रिपर्स गॉड ड्रेन के अगेंस्ट फाइट ले रही है। जब ये फाइट बन रही है, अभी ये जो फाइट पक रही है, इसके बीच में पूरा केओस बाकी एरियाज में है सर्कल के। डेफिनेटली साइक यहाँ पे सिर्फ फाइट बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, प्रोग्रेस करने की। तरफ गॉड ड्रेन का एलिमिनेशन, गॉड लाइक की बदौलत हुआ। जोनाथन ने निंजा को पिक किया था टू टेक द लास्ट प्लेयर डाउन। सो मेनी फाइट्स, सो मच ऑफ अ केओस जस्ट ब्रूइंग अप, और अब गॉड लाइक आगे मूव करिए। मैक्स, उनको लगा था कि उनको इधर की तरफ को मूव करे, जी नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। यूएमपी और स्कारल वर्सेस दैट वन डीबीएस, दैट वन मॉन्स्टर, द बिग स्केरी, उनके सामने रहेगी क्लच गॉड। उस घर के अंदर एक ग्रेनेड को करते हुए नजर आएंगे, लेकिन हर्ष के हाथ में एक स्मोक है, लेकिन वो मूव करेंगे डीबीएस के लिए। आई एम प्रीटी श्योर ये ग्रेनेड नीचे की तरफ को जाएगा, बट नो वन गोना बी देयर, और अब इसके साथ साथ मूवमेंट रहेगा ऊपर। उस डीबीएस का स्वागत क्या ये यूएमपी सही तरीके से करेगी, क्योंकि वो डीबीएस अगर चली तो बहुत भयंकर रिजल्ट्स हो सकते हैं। वहीं पर इतनी जोन के अंदर आने के लिए और इनसेन के लिए दिक्कत है, सबसे ज्यादा है ना सर्कल है और ना जब बाहर आएंगे कवर होगा। हर्ष को देखिए स्पॉट आउट हो चुके, शॉट यहाँ पे कनेक्ट होंगे और पूरी बिग ब्रदर की टीम उन पे हावी होते हुए, एंड दैट इज द एग्जिट ऑफ टीम इनसेन। अंडरगॉड्स भी बाहर हुए। 8-bit गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट ले रही है, क्लच गॉड को डाउन किया गया है, शैडो ने रिटेलिएशन फायर निकाला, मैडमैन को पिक किया जरूर है। निंजा बॉय दूसरी तरफ से फाइट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। गॉड्स रेन के अगेंस्ट ओवेस इज आल्सो डन फॉर, दैट मींस टीम एनिग्मा फॉरएवर को भी फिनिश होते हुए नजर आएगी वो टीम इस समय। बैक एंड पर प्लेयर्स अब फिनिश होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप गॉडलाइक के एक प्लेयर को बाहर का रास्ता अभी के लिए लेते हुए देखेंगे। 8-bit के पीछे बीबी की स्क्वाड भी है, तो वो अगर साथ के साथ फाइट लेने आए तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। ओपन एरिया में ज्यादा कवर्स नहीं होते, चीनी है, मतलब देयर वाज अ टाइम जब गॉडल और गॉडजिन के पास अच्छा खासा सर्कल था, दे हैविंग द प्रायर एडवांटेज, बट नो अब एक एक करके चीजें खराब कर रहे हैं। बिकॉज गॉड अभी अभी मैंने देखा निंजा को डैमेज दिया है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर विद M16, निंजा बॉय भी यहाँ पे नॉक हो चुके, राइवलरी भी अब एक्शन के अंदर आई, और 8-bit They're rotating काफी ओपन के अंदर खेल रहे, they need to be careful. चारों दिशाओं से वो अटेंशन ग्रैब करने बैठे हैं। Remove forward, 8-bit को डीप को स्पॉट करा और लॉन्ग रेंज के अंदर डीबीएस मारने की कोशिश थी, बट कब तक जोनाथन इस चीज का फायदा उठा पाते, 20 नॉक होने का नाम नहीं ले रहे, काफी कम स्पीड के अंदर ये प्लेयर खेल रहा है, नॉक निकाल रहा है और अभी